चलो, कल क्या किया था? उत्तराखंड में कुछ थोड़ा बेसिक, हाँ, जो भी किया था ना वही वाला पूछ रहा मैं ना। हाँ, क्या चीज? हाँ, बताओ। ठीक है, कुछ बोल रहे हो आप। हाँ जी, हाँ जी, 93 से बताओ। हाँ, तुमने बोला कि उत्तराखंड राज्य जो है इसका गठन पहले हो सकता था, काफी पहले बन जाता। हाँ, तो शायद, हाँ, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि राज्य का गठन जो है ये कुछ समय पहले हो सकता था ना। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराखंड राज्य का जो गठन है, राज्य जो है हमारा 2000 में बना और डिमांड कर रहे थे हम 1897 से, है ना, यही पूछ रहे हो। अगर कोई सशक्त नेता नेतृत्व या कोई पार्टी हो जाती, यही कहना चाह रहे हो ना, कोई पार्टी अगर सशक्त तो हो जाती, कोई ऐसी संस्था होती जो अच्छे से लड़ाई लड़ जाती, तो शायद ऐसा हो सकता था कि 2000 से पहले हमारा स्टेट बन जाता। लेकिन कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, देखो याद है तुम्हें? ठीक है, कोई सशक्त पार्टी होती बहुत अच्छी बात है, कोई सशक्त संस्था होती तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि स्टेट को बनाने का ना एक तरीका है, एक राज्य को बनाने का एक तरीका है, और एक राज्य को बनाने का तरीका कल का याद है, स्टेट गवर्नमेंट पहले प्रस्ताव को पारित करेगी, राज्य सरकार को पहले प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। और जब राज्य सरकार जो है प्रस्ताव पारित कर लेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पारित होने के बाद ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा से इस प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। अब थ्योरेटिकली क्या बातें होती है उसको थोड़ा देर के लिए अलग रख दो, अब बात करो प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या है ना, आपका स्टेट बनने में एक दिन भी नहीं लगेगा, आपका राज्य एक दिन में बन सकता है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट में वो पार्टी होनी चाहिए जो आपका राज्य बनाना चाहती है ना। सेंटर में उस पार्टी की सरकार होनी चाहिए जो आपका राज्य बनाने के लिए तैयार हो, और जो पार्टी आपको राज्य बनाने के लिए मना कर रही है 1897 से लेके या 1946-47 के आसपास से, वो पार्टी कांग्रेस है। और यहां पर सरकार किसकी है? कांग्रेस की, स्टेट में भी और सेंटर में भी। कांग्रेस एक नया स्टेट नहीं बनाना चाहती। तो प्रैक्टिकली बात क्या है, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप स्टेट में एक ऐसी सरकार लेके आओ जो आपके लिए एक नया राज्य बना सकती हो, है ना, एक तरीका आपके पास ये है। जिस दिन स्टेट में वो पार्टी बन जाएगी ना, जिस दिन स्टेट में एक ऐसी सरकार आ जाएगी जो हमारे लिए एक नया राज्य बना सकती है या बनाना चाहती है, उस दिन राज्य बन जाएगा। ये उत्तराखंड स्टेट तब तक नहीं बन पाएगा जब तक कोई पार्टी ऐसा ना चाहेगी कि ये राज्य बन सके, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य के गठन में हमको समर्थन देने वाली दो पार्टियां थी, एक थी बीजेपी और एक थी उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी। ये दो पार्टियां ऐसी थी जो ये कहती थी हम उत्तराखंड बना देंगे, हम एक अलग स्टेट बना देंगे। ये कभी सत्ता में आए ही नहीं, इनका एक विधायक जीत रहा है, कभी दो विधायक जीत रहे। तो एक और दो विधायक क्या कर लेंगे स्टेट में ना, स्टेट में जहां 200-250 विधायक हैं, तो वहां दो आदमी अगर हाँ कह भी दे तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो यूकेडी तो हमें एक दौर के बाद लगभग लग गया कि भाई यूकेडी हमारे लिए अलग स्टेट नहीं बना सकते। क्षेत्रीय पार्टियां दो ही बड़ी होती थी, या तो कांग्रेस या फिर बीजेपी। कांग्रेस राज्य बनाने के मूड में था नहीं, क्योंकि होता तो कब का बना चुका होता, तो हमारा ले दे करके सिर्फ एक ही सहारा था, कौन? बीजेपी। इनकी सरकार बनती है स्टेट में 1991 में उत्तर प्रदेश के अंदर, और 1991 में इन्होंने कोशिश भी करी एक नया राज्य बनाने की, तो इन्होंने स्टेट से तो प्रस्ताव पारित कर लिया, लेकिन यहां नहीं, फिर बीजेपी की पार्टी थी ना, सेंटर में बीजेपी नहीं था। यहां से पारित होने वाला प्रस्ताव लोकसभा गया, सिर्फ 93 वोट मिले, 93 सांसदों ने कह दिया ठीक है नया राज्य बना दो। और भारत की संसद में अगर सिर्फ 93 लोग कह दे कि अलग स्टेट बना दो, तो 93 तो बहुमत वैसे भी नहीं है, लगभग 550 सीटें आपके पास, मोटा मोटा मान लेते तभी 530 तो होती होंगी। तो 530 में से लगभग 250 आदमी ऐसे चाहिए, 250 सांसद ऐसे चाहिए जो कहें हाँ बना दो, सिर्फ 93 कह रहे हैं बना लो, है ना।
तो कुल मिलाकर के वो बात ठीक है, आप सही कह रहे हो कि शायद उत्तराखंड राज्य के गठन में हमारे पास एक सशक्त और शीर्षस्थ नेतृत्व की कमी रही होगी, लेकिन ओवरऑल घुमा फिरा के तो बात यही है, सरकारों का हिसाब किताब है ना। सरकारें जब तक अपनी मन इच्छित नहीं आएंगी तब तक आप स्टेट का गठन नहीं कर सकते। ठीक, 1960 तक की कहानी हमने कल बोली, 1960 ईस्वी तक क्या क्या चीजें हुई एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करवा लूं ताकि आपको याद आ जाए कि एक अलग स्टेट के लिए अलग अलग समय पर उत्तराखंड से डिमांड की जाने लगी। आजादी के ठीक पहले 1946 में एक सम्मेलन हुआ था, हल्द्वानी सम्मेलन, और हल्द्वानी सम्मेलन में सेपरेट स्टेट की मांग करी गई थी किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। 1946 के बाद 1947 में भारत की संविधान सभा के सामने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी गई। 1947 में हरगोविंद पंत ने यह डिमांड रखी, बात नहीं मानी गई। 1948 में धारा आयोग के सामने, 1952 ईस्वी के अंदर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने, 1955 ईस्वी के अंदर एक समिति बनी, सर्वदलीय संघर्ष समिति। सर्वदलीय संघर्ष समिति भी बहुत महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं कर पाई। और फाइनली 1960 में स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने 1960 ईस्वी के अंदर तीन नए जिले बनाते हुए तीन जिलों के लिए एक मंडल बना दिया, उस मंडल का नाम रखा गया उत्तराखंड मंडल, है ना। हम उत्तराखंड राज्य की डिमांड कर रहे थे, 1960 में हमारे लिए एक मंडल बना दिया। तो 1960 में 1960 ईस्वी के अंदर ये जो मंडल गठित होता है, इस मंडल को क्या नाम बोलते हैं, उत्तराखंड मंडल। उत्तराखंड मंडल, गढ़वाल मंडल अभी नहीं बनेगा। ठीक, 1960 में जो मंडल का गठन हुआ उसको नाम दिया गया उत्तराखंड मंडल। तीन जिले होते थे, हेडक्वार्टर लखनऊ में होता था। जब तक उत्तराखंड मंडल की इनको जरूरत पड़ी, इन्होंने इस मंडल को रहने दिया। 1965 में ये मंडल खत्म कर दिया 1965 में। ठीक, 1960 से लेकर के 1965 तक, 1960 से लेके 65 तक उत्तराखंड में जो पृथक राज्य की लड़ाई थी वो कुछ हद तक आप कह सकते रुक गई। रुकने का कारण, ये बड़ा क्रिटिकल दौर था। इस दौर में पहले 1962 में युद्ध हो गया भारत और चीन का, तो एक तरफ जब नेशनल इमरजेंसी इस प्रकार की लगी हो कि चाइना अपर अटैक कर रहा हो, तो उस समय शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र होगा या राज्य होगा जो अलग स्टेट की मांग करेगा। तो 62 में तो वो लड़ाइयां चलती रही, 65 में फिर पाकिस्तान अटैक कर रहा था, तो 1965 में एक तरफ पाकिस्तान ने अटैक कर रखा है, तो इतने भी लालची नहीं थे ना कि अलग स्टेट इस समय बनाओ। तो अभी थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कतें चल रही थी, तो 65 तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 1965 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो उत्तराखंड मंडल था ना, इस उत्तराखंड मंडल को खत्म कर दिया। इन्होंने कहा उत्तराखंड मंडल का अब कोई ज्यादा रोल नहीं है, इसको खत्म कर लेते हैं। जिले तो रहे, पिथौरागढ़ भी रहा, चमोली भी रहा, उत्तरकाशी भी रहा, जिले तीनों रहे, लेकिन ये जो तीन जिले थे अब इनको उत्तराखंड मंडल से हटा दिया और कुमाऊं मंडल में डाल दिया। तो यहां पर फिर लोगों को लगा 1965 के बाद कि फिर आपने उत्तराखंड मंडल बनाया ही क्यों, अगर आपको उत्तराखंड मंडल को खत्म ही करना था तो फिर ये मंडल बनाया ही क्यों आपने ना, कुछ समय के लिए फिर बना दिया इसको। तो 1965 के बाद एक बार फिर से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड उत्तराखंड में स्टार्ट होने लगी। 1965 के बाद स्टार्ट होने वाली इस डिमांड में इंपॉर्टेंट ईयर कौन कौन से थे जरा उनको समझना। सबसे पहला महत्वपूर्ण साल निकल के आता है 1967 राज्य आंदोलन के इतिहास के प्रारंभिक वर्षों में एक बड़ा साल है 1967। ऐसा कहा जा सकता है कि 1967 के वर्ष से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को एक दिशा मिली। इससे पहले भी लड़ाई चल रही थी, इससे पहले भी डिमांड कर रहे थे कि अगर अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन जिस प्रकार की डिमांड 1967 के बाद होने लगी, ऐसी डिमांड इससे पहले नहीं होती थी। 1967 में 1967 ईस्वी के अंदर नैनीताल के रामनगर में एक बैठक का आयोजन किया गया, और नैनीताल के रामनगर में 1967 ईस्वी के अंदर यह डिसीजन लिया गया कि सेपरेट लड़ने के लिए हम एक काउंसिल का गठन, परिषद बना देते हैं या एक संस्था का गठन कर लेते हैं। और 1967 ईस्वी के अंदर 24 और 25 जून 1967 ईस्वी को उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर जो रामनगर है ना, इस रामनगर में एक परिषद, एक काउंसिल बनाई गई, और उस काउंसिल को नाम लिखते हैं पर्वतीय राज्य परिषद। तो आप पहला पॉइंट लिखना आज 24-25 जून 1967 ईस्वी को पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। चौबीस पच्चीस जून 1967 ईस्वी को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। 24-25 जून 1967 को नैनीताल के रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया।
पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। ये जो पर्वतीय राज्य परिषद है ना, ये पर्वतीय राज्य परिषद अब राज्य की लड़ाई लड़ेगी। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, हम एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, वेरी गुड, आपको अलग राज्य चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर कोई तो हो जिसके पीछे भीड़ खड़ी हो, अभी तक ऐसी कोई संस्था थी नहीं। तो राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए एक काउंसिल बनाई गई, एक परिषद बनाई गई, उसको नाम क्या बोलते हैं, पर्वतीय राज्य परिषद। वन लाइनर एक अच्छा प्रश्न बन सकता है सीधा सीधा, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब होती है? हम कहेंगे 24 और 25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना करी गई। जब पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना करी गई थी तो स्थापना के समय एक आदमी को इसका अध्यक्ष बना दिया, और वो व्यक्ति जिसको पर्वतीय राज्य परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है इसका नाम दयाकृष्ण पांडे होता है। दयाकृष्ण पांडे, पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया? फिर आप कहेंगे दयाकृष्ण पांडे जो है वो पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष थे। 1967 में 1967 ईस्वी के अंदर, 1967 ईस्वी के अंदर सेपरेट स्टेट की डिमांड करने के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में उत्तराखंड के अंदर एक परिषद बना दी गई। उस परिषद को क्या नाम बोलते हैं? पर्वतीय राज्य परिषद कहते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन 24-25 जून 1967 को रामनगर में हुआ। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया? दया कृष्ण पांडे को बनाया गया। दया कृष्ण पांडे के अलावा इस पर्वतीय राज्य परिषद में एक बड़ा नाम है, उपाध्यक्ष एक बनाए गए, और उपाध्यक्ष का नाम था गोविंद सिंह मेहरा। गोविंद सिंह मेहरा जो है ये पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष होते थे। पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तब आप कहेंगे गोविंद सिंह मेहरा थे। गोविंद सिंह मेहरा पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष बना दिए। इसके बाद कुछ कथाएं चलती है, कुछ कहानियां चलती है, ठीक। उन कहानियों के बारे में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहानियां हम जब हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ेंगे ना, ऐतिहासिक वाला भाग पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे। सरल भाषा में मैं वो आपको कहानियां बता देता हूँ। 67 में पर्वतीय राज्य परिषद बना, इन्होंने डिमांड करी, बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई करते रहे। इन्होंने कहा हमारे लिए अलग राज्य बनाओ। उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रेशर आया, तो प्रेशर पर आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पर्वतीय विकास परिषद बना दी। वो एक अलग पॉइंट है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर्वतीय विकास परिषदों के गठन के बाद 1971 आते आते पर्वतीय विकास निगम बन गए। फिर और लड़ाइयां चली, लोगों ने कहा पर्वतीय विकास निगम के मुख्यालय किसी ने कहा गढ़वाल में बनाओ, किसी ने कहा कुमाऊं में बनाओ। तो नरेंद्र तिवारी जैसे ही सीएम बने, नरेंद्र तिवारी ने अपने समय पर उत्तर प्रदेश के जब सीएम बने ना नरेंद्र तिवारी, तो उन्होंने क्या कर दिया, पर्वतीय विकास निगम को तोड़ दिया। गढ़वाल वालों के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम बना दिया, कुमाऊं वालों के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम बना दिया, एक का मुख्यालय नैनीताल बना दिया, एक का मुख्यालय देहरादून बना दिया। ये सारी लड़ाई झगड़े चलते रहे, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है ना वो ये कि स्टेट कैसे बने। हमें तो राज्य चाहिए, हमें नहीं मतलब, हम कोई थोड़ी पर्वतीय राज्य विकास परिषद की डिमांड कर रहे हैं, हमें थोड़ी उत्तरांचल पर्वतीय परिषद, इन चीजों से हमें क्या मतलब है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, हमारे लिए स्टेट बना दो, हमारे लिए राज्य बना दो। स्टेट गवर्नमेंट सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं सुन रही है स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि स्टेट में बैठी हुई सरकार एक अलग राज्य नहीं बनाना चाहती, सीधी सी बात ही है। या तो आप स्टेट में एक ऐसी सरकार बनाओ जो आपकी बात सुने, जो आपके लिए अलग राज्य बना दे, ऐसा हो नहीं पा रहा था, तो कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। यहां पर 1967 से 1970 तक, कम से कम 1970 ईस्वी तक, कम से कम कोई भी व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। और जरा ध्यान से यहां पर एक बात को समझना, 1974 ईस्वी के अंदर, 1974 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम में एक छोटा सा परिवर्तन देखने को मिल गया। परिवर्तन क्या था कि 1974 में गढ़वाल सीट से, गढ़वाल का मतलब होता है जो आज हमारी पौड़ी गढ़वाल वाली सीट है ना, उस पौड़ी गढ़वाल वाली सीट से एक आदमी होते थे, उनका नाम था प्रताप सिंह नेगी। जब कभी हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम की, गढ़वाल क्षेत्र का स्पेशली, तो एक नाम आएगा वहां पर, उस व्यक्ति का नाम होगा प्रताप सिंह नेगी। तो प्रताप सिंह नेगी ना उन दिनों हमारे सांसद होते थे पौड़ी लोकसभा सीट से। और प्रताप सिंह नेगी ने 1974 में क्या किया, और यहां तक बड़ी लड़ाइयां चल रही थी, हम लोग बहुत सारे धरने प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली के वोट क्लब पर धरना देते थे, बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करते थे। एक आदमी था इंद्रमणि बडोनी, गढ़वाल का, उत्तराखंड का गांधी कहते ना इंद्रमणि बडोनी को, तो वो भाई साहब तो दिल्ली से घर ही नहीं आ रहे, उधर ही बैठ के बिल्कुल अनशन पर बैठे हुए, लड़ाइयों का दौर चल रहा है। इस बीच 1974 में जब प्रताप सिंह नेगी जो है भारत की लोकसभा में पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो क्यों ना हम एक बार लोकसभा से कोशिश करके देखें। और 1974 ईस्वी के अंदर प्रताप सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले सांसद होते हैं। प्रताप सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम लोकसभा सांसद जिन्होंने पृथक राज्य का यह प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में पेश किया।
क्या पॉइंट बना, 1974 ईस्वी के अंदर प्रताप सिंह नेगी के द्वारा, 1974 प्रताप सिंह नेगी के द्वारा सेपरेट स्टेट की डिमांड को लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया गया, एक पृथक राज्य की मांग को, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड को, एक अलग राज्य की मांग को, अलग राज्य की मांग को लोकसभा में पेश किया गया। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की मांग संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में सर्वप्रथम किसने पेश किया, प्रस्ताव किसने पेश किया, क्या बोलोगे, प्रताप सिंह नेगी। दो अच्छे प्रश्न निकल के आते हैं, क्या प्रताप सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा में ये मांग रखी कि उत्तराखंड राज्य का गठन हो, तो कहेंगे नहीं, पहले सांसद नहीं है, इनसे पहले मानवेंद्र शाह लोकसभा में ये मुद्दा रख चुके थे, लेकिन मानवेंद्र शाह के द्वारा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नॉर्मली ये कह दिया गया कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बना दिया जाए। जरा प्रश्न को समझना, प्रीलिम्स में अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि लोकसभा में पृथक राज्य का मुद्दा रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, लोकसभा में पृथक राज्य का मुद्दा रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आंसर होगा मानवेंद्र शाह 1957। अगर प्रश्न यह है कि लोकसभा में अलग राज्य की मांग का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया, अगर प्रश्न यह है लोकसभा में पृथक राज्य की मांग का मुद्दा सबसे पहले किसके द्वारा उठाया गया, तो फिर आप आंसर देंगे मानवेंद्र शाह के द्वारा उठाया गया 1957 में। लेकिन यह मुद्दा जो है ना, मुद्दा बन करके रह गया। मुद्दा का मतलब क्या है कि प्रश्नकाल के दौरान मानवेंद्र शाह ने कह दिया कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए, बस इतनी सी बात हुई। उसको एक ड्राफ्ट बना के एक प्रस्ताव के रूप में पेश करने का काम किसने किया, प्रताप सिंह नेगी ने। दो प्रश्न आपके पास बनते, लोकसभा में पृथक राज्य का मुद्दा किसने पेश किया, मुद्दा मां से मुद्दा, मां से मानवेंद्र, मुद्दा किसने पेश किया, मानवेंद्र शाह। प्रस्ताव किसने पेश किया, प्रस्ताव प्रताप, प्र प्र याद रखना, प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में रखने वाले व्यक्ति प्रताप सिंह नेगी, मुद्दा सबसे पहले लोकसभा में ये कौन उठा चुके थे, मानवेंद्र शाह। ना मानवेंद्र शाह की बात सुनी गई, ना ही प्रताप सिंह नेगी की बात सुनी गई। लेकिन 1974 के ठीक अगले साल आप पहुंचो 1975, जानते हैं भारतवर्ष के लिए कठिन वर्ष था 1975। 1975 में पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ना आपातकाल लगा हुआ था, उस आपातकाल में गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि 1975 ये वो दशक था, ये वो दौर था जब उत्तराखंड में सेपरेट स्टेट की डिमांड करने वाले कुछ लोगों में दो दल बन गए, अलग अलग लोग। कुछ लोग अब ये कहने लगे थे 1975 आते आते कि छोड़ो, क्या फायदा एक नया राज्य बना के, यूपी के साथ ही हम लोग ठीक है। 1975 आते आते ना, पहले तो इतने लंबे समय से लड़ाई कर रहे थे कि अलग राज्य बनाओ, अलग राज्य बनाओ। अब 1975 में इमरजेंसी लग गई, वहां इंदिरा गांधी बिल्कुल मूड में थी उस समय ना, विपक्ष का कोई भी आदमी बाहर दिख ही नहीं रहा था, हर आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया 75 में। तो 75 में उत्तराखंड के बहुत सारे लोग फिर ऐसे हो गए जो ये कह रहे थे कि छोड़ो, क्या एक अलग राज्य बनाना है, और कुछ लोग ऐसे थे कि ना भाई, हमें तो एक अलग राज्य चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि राज्य आंदोलन के इतिहास में अब थोड़ा सा भटकाव सा देखने को मिल रहा था 1975 में, तो फिर से इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पृथक राज्य आंदोलन को एक नई दिशा देने का काम 1976 में होता है। 1976 में उत्तराखंड के अंदर दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक काम तो यह कि 1976 में उत्तराखंड में उत्तराखंड युवा मोर्चा का गठन हुआ, कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। 1976 में एक तरफ उत्तराखंड युवा मोर्चा का गठन हुआ। उत्तराखंड युवा मोर्चा के गठन होने का मतलब क्या है, युवाओं का आपने एक संगठन बना दिया, युवा भी अब सेपरेट स्टेट की इस लड़ाई में कूद गए। उत्तराखंड युवा मोर्चा का गठन हो गया 1976 में। वही 1976 का दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो ये कि 1976 ईस्वी के अंदर, ध्यान से सुनना, 67 में बनने वाले का नाम क्या है, जरा देखो, पर्वतीय राज्य परिषद। 67 को उल्टा कर दो, आगे पीछे डिजिट कर दो, 6 को बाद में, 7 को आगे, तो कितना हो गया 1976। 67 का उल्टा क्या हो गया 1976, तो 1967 को उल्टा करो 1976 हो गया। 67 में पर्वतीय राज्य परिषद बना और 1976 में राज्य आंदोलन को एक नई दशा देने के लिए 53 सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना करी गई। उत्तराखंड
राज्य परिषद 1976 में, 1976 ईस्वी में राज्य आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन कब किया गया? उत्तराखंड स्टेट काउंसिल कब गठित करी जाती है? आप कहेंगे 1976 में। 1976 ईस्वी में उत्तराखंड स्टेट काउंसिल का गठन हुआ, जबकि 1967 में ही हिल स्टेट काउंसिल का गठन किया जा चुका था। 67 में पर्वतीय राज्य परिषद ये स्थापित हो चुका था, और 76 में उत्तराखंड राज्य परिषद किसने स्थापना करी? त्रेपन सिंह नेगी। हाँ, उत्तराखंड के एक बड़े नेता है त्रेपन सिंह नेगी। 1976 में उत्तराखंड राज्य परिषद की स्थापना कर दी गई त्रेपन सिंह नेगी के द्वारा। 1960 के बाद ये दो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 67 में पर्वतीय राज्य परिषद बना, ये लड़ाई लड़ रहा था अलग राज्य बन जाए, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। प्रताप सिंह नेगी ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। 76 में उत्तराखंड युवा मोर्चा बन गया, युवा लोग डिमांड करने लगे अलग राज्य बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तराखंड राज्य परिषद का गठन कर दिया 1976 में, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। कुछ ऐसा ही जैसे आजकल चल रहा है ना, आजकल जैसे आंदोलन कर रहे हो ना भू कानून के लिए, तो कितना ही चिल्ला लो सरकार नहीं सुनने वाली है, तो ऐसा ही उस समय चल रहा था, सरकार नहीं सुनने वाली थी। कम से कम 1976 के बाद उत्तराखंड के लोगों को यह पता चल गया कि भैया अगर अलग राज्य बनाना है तो उत्तर प्रदेश में हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए, और खुद की सरकार थी कौन सी पता ही नहीं चल रहा था। देश का राजनीतिक माहौल इस प्रकार का था ना कि उस समय भारत का मतलब कांग्रेस ही था, हमेशा कांग्रेस ही जीत रहा था आजादी के बाद से लेकर के ना, जवाहरलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर गए तो लाल बहादुर शास्त्री, फिर वो गए तो फिर इंदिरा गांधी, और जो इंदिरा गांधी तो लग भी नहीं रहा था कि इंदिरा गांधी को कोई हरा पाए। लेकिन 78 में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी, सेंटर में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो लोगों को लगा कांग्रेस को हराया भी जा सकता है, कांग्रेस हार सकती है, तो हमें लगा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें, अपनी खुद की एक पार्टी बना दे, एक ऐसी पार्टी का गठन करें जो हमारे लिए एक अलग राज्य की डिमांड करे। और तब 1979 में आप जानते हैं 1979 ईस्वी के अंदर मसूरी में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और 1979 ईस्वी के अंदर मसूरी में होने वाले सम्मेलन को नाम बोलते हैं पर्वतीय जन सम्मेलन। इस सम्मेलन का नाम क्या कहते हैं? पर्वतीय है ना। हम कोशिश तो ये कर रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है हमारे लिए सरकार का गठन, ये हमारे लिए राज्य का गठन कर दे। जब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो 25 जुलाई 1979 ईस्वी को मसूरी में जो पर्वतीय जन सम्मेलन हो रहा था, इस पर्वतीय जन सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड की खुद की एक लोकल पार्टी बनाओ, एक क्षेत्रीय पार्टी बनाओ, और उस पार्टी को नाम क्या दिया? यूकेडी नाम दे दिया, उत्तराखंड क्रांति दल उसको नाम दे दिया गया। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का प्रथम क्षेत्रीय पार्टी कौन सा था, तो क्या कहेंगे? यूकेडी। आपसे प्रश्न पूछा जाए यूकेडी का गठन कब हुआ, तो कहेंगे 25 जुलाई 1979। और एक बहुत कॉमन सा प्रश्न कई बार आ जाता है राजनीति के अंदर से कि यूकेडी का गठन कहां पर किया गया, तो क्या कहेंगे? मसूरी में। यूकेडी का गठन जिस सम्मेलन में हुआ उस सम्मेलन का नाम था पर्वतीय जन सम्मेलन, और पर्वतीय जन सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? द्वारिका प्रसाद उनियाल। तो जब पार्टी बना दी यूकेडी, तो यूकेडी पार्टी के गठन करने के साथ ही इस यूकेडी का एक अध्यक्ष बना दिया, और मेरे हिसाब से सब लोग नाम जानते हैं किसको बनाया गया, डी पंत, लिख लो, यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष देवी दत्त पंत को नियुक्त कर दिया गया। देवी दत्त पंत को यूकेडी का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यूकेडी का प्रथम अध्यक्ष देवी दत्त पंत को, देवी दत्त पंत को, ठीक, देवी दत्त पंत को यूकेडी का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। चलो बहुत अच्छी बात है, एक पार्टी बन गई। सपना क्या था कि यूकेडी अगले चुनाव में जीतेगा, बहुमत से जीतेगा, पार्टी बनाएगा, नहीं भी बनाए तो कम से कम जो रूलिंग पार्टी है उसको इतना समर्थन तो दे दे कि रूलिंग पार्टी इनकी बात मान ले ना। अब इलेक्शन हुए 1980 के, 1980 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें यूकेडी वालों ने भी पर्चा भर दिया, ये भी इलेक्शन में खड़े हो गए, कई सारी सीटों पर खड़े हो गए, उत्तराखंड से तो होंगे होंगे ना। 1980 के लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट आया, विधानसभा का रिजल्ट आया, यूकेडी को एक सीट मिली, है ना। सपना तो बड़ा देखा था इन्होंने, ये तो कह रहे थे कि हम सरकार बना देंगे, लेकिन ये एक ही सीट जीत गए ना, रानीखेत से एक सीट जीत गए। जीतने वाले व्यक्ति का नाम जसवंत सिंह बिष्ट था। अगर आप परीक्षा वाणी जैसी किताबों को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर आंसर लिखा होता है काशी सिंह एरी,
तो उसको थोड़ा सही भी कर देना। वहां लिखा होता है कि यूकेडी से निर्वाचित प्रथम सदस्य काशी सिंह एरी है। काशी सिंह एरी अगले इलेक्शन में जीतेंगे 85 में। इस प्रश्न को याद रखना, क्योंकि कुछ एक किताबों के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम निर्वाचित सदस्य काशी सिंह एरी थे, जो कि पूर्णतया गलत तथ्य है। इसलिए आपको याद रखना, उत्तराखंड क्रांति दल से इलेक्टेड होने वाले, निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य जसवंत सिंह बिष्ट थे। 1980 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ 1980 का, उस 1980 के चुनाव में कौन सीट जीत गया? रानीखेत सीट से एक सीट जो है यूकेडी के पास आ गई। और आप समझ सकते हैं ये एक आदमी क्या करेगा ना? और चलो बाई चांस हो भी सकता है कि ये एक आदमी कुछ कर भी ले, लेकिन तुम्हें पता है ये जो जसवंत सिंह बिष्ट है ना, कुमाऊं का रानीखेत सीट से जीतने वाला जसवंत सिंह बिष्ट, इस आदमी को एक नाम कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? कुमाऊं का गांधी कहते हैं। शरीफ आदमी होगा ना, लड़ाई वाला तो होगा नहीं, लड़ाई वाले को थोड़ी गांधी कहेंगे, शांत सा आदमी ना, कुमाऊं का गांधी कह रहे इसको। जैसे उत्तराखंड का गांधी किसको कहते? इंद्रमणि बडोनी को। ऐसे ही कुमाऊं का गांधी कह लेते जसवंत सिंह बिष्ट को, है ना, पहाड़ का गांधी, सॉरी कुमाऊं का गांधी तो देवकी नंदन को कहते हैं, पहाड़ का गांधी कहते हैं, पहाड़ का गांधी, है ना, पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। और ये पहाड़ के गांधी साहब जो है 1980 के इलेक्शन में जीत गए, 1980 के इलेक्शन में। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जीत गए जसवंत सिंह बिष्ट को, कहा करो कुछ, बना सकते हो नया स्टेट। जसवंत सिंह बिष्ट ने असमर्थता जता दी, देखो भैया हम तो नहीं बना सकते, अकेला आदमी हूं मैं उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, अकेला आदमी यूकेडी का। वो चिल्लाया ये आदमी जसवंत सिंह बिष्ट, बाद में जाके ना अलग स्टेट बनाओ बनाओ, तो लोगों ने कहा एक आदमी से थोड़ी फर्क पड़ेगा, कहीं अगर 20-22 सीटें होती यूकेडी पे तो थोड़ा हल्ला भी मचाते। एक सीट थी, कुछ नहीं चला। 80 से लेके 81, 82, 83, 84, 85 ये सब चला रहा। कभी हम इंदिरा गांधी से डिमांड कर रहे थे, कभी राजीव गांधी से डिमांड कर रहे थे। इंदिरा गांधी एक बार के लिए मान गई 1983 में, ठीक है हम अलग स्टेट बना लेते हैं उत्तराखंड के लिए। 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, वो काम पूरा नहीं हो पाया। फिर राजीव गांधी से डिमांड करी, राजीव गांधी भी थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट जब तक दिखा देते। इस बीच में 1987 का एक बड़ा साल आ गया, 1987 का। और 1987 उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि 1987 आते आते पृथक राज्य की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है ना वो थक चुके थे। थक जाएगा ना आदमी, कब से डिमांड कर रहे हैं अलग स्टेट की, 46-47, आज 1987, कई तो मुझे लग रहा मर भी गए होंगे तब से ना। बद्रीदत्त पांडे निपट गए, हरगोविंद पंत निपट गए, गोविंद वल्लभ पंत निपट गए, राज्य ही नहीं बन रहे। आप एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हो 46 से, कितना तो डिमांड करेगा आदमी 1987। और बड़ी बात तो तब हुई जब 1987 में हमें पता चला कि हमें भारत में कोई जानता भी नहीं है, हम इतने साल से दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे और फिर पता चला 1987 में कि हमें तो कोई पहचानता ही नहीं है। किसी ने ऐसी पूछ लिया होगा ना, कौन हो तुम लोग, डेली डेली आ जाते हो बोला इधर बैठने के लिए ना, तो इन्होंने कहा हम उत्तराखंड वाले हैं। तो लोग उनका कौन उत्तराखंड, बोला हम तो एक अलग राज्य की डिमांड कर रहे, कब कैसे हमें तो पता ही नहीं है ना। तो फिर लोग उनका भाई जी हमें तो नहीं पता है। तो 1987 में ना, 1987 में जब 1987 का दशक पहुंचा तो यहां पर 1987 में जो लोग पृथक राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, इन लोगों ने अब कुछ बड़ा करने का सोचा। करते ही हर किसी आंदोलन में ना, जब आप लोग भी आंदोलन करते हो तो अपने आंदोलन में कोशिश ये करते हैं कि हमारा आंदोलन थोड़ा सा हाइप ले ले हमेशा। जब तुमने कभी आंदोलन किया होगा अपनी परीक्षाओं को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के आंदोलन करते हैं, तो उस आंदोलन में हम भी कोशिश करते हैं कि एक आदमी भाई फेसबुक में डाल दो इसको, है ना, एक आदमी प्रेस वाला अगर कोई जानने का है तो उसको भी बुला दो, कल को अखबार में भी आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा हाइप मिल जाए, हर आदमी चाहता है। इन्होंने भी चाहा, ये भी चाह रहे थे कि अखबार में कहीं तो आ जाए, नेशनल टीवी पर कहीं तो हम आ जाए। तो 1987 में उत्तराखंड के पृथक राज्य की लड़ाई लड़ने वाले इन लोगों ने जब कोई बात सुनी नहीं रहा है, तो इनमें से कुछ लोगों ने ये मतलब मनी मन में ये सोचा कि काम करते हम सीधा जाएंगे लोकसभा में, और लोकसभा में जब सत्र चल रहा होगा ना, जिस समय लोकसभा की कार्यवाही चल रही होगी, हम उस समय लोकसभा के अंदर जाएंगे और कुछ पर्चे लोकसभा के अंदर फेंकेंगे, जैसे कभी भगत सिंह ने पर्चे फेंक दिए थे ना असेंबली के अंदर, पर्चे फेंक दिए थे। इस प्रकार से इन्होंने प्लान बनाया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, हम लोकसभा के अंदर जाएंगे और जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही होगी उस समय पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पर्चे जो है लोकसभा में फेंकेंगे, बस इतना सा प्लान था। जैसा प्लान बनाया गया वही किया गया। 1987 ईस्वी के अंदर त्रिवेंद्र सिंह पंवार नेतृत्व करते हुए लोकसभा पहुंचे, और जब ये लोकसभा के अंदर पहुंचे तो लोकसभा की कार्यवाही के दौरान इन्होंने वहां पर कुछ पर्चे फेंक दिए। लोकसभा की कार्यवाही, लोकसभा से बढ़कर के भी है कोई क्या भारत में? संसद से बड़ा कोई होगा क्या भाई? भारत एक संवैधानिक देश के अंदर
संसद से बड़ा कौन होगा। और आप लोकसभा की जब कार्यवाही चल रही है और उस दौरान अगर आप लोकसभा की कार्यवाही में किसी भी प्रकार का विघ्न डालोगे तो सीधी सी बात है जेल जाओगे। लोकसभा में अगर कार्यवाही, अगर लोकसभा का कोई भी सत्र चल रहा है, मान लो लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है, शून्यकाल चल रहा है, तो लोकसभा की एक नियम समिति है ना, इसमें एक नियम बनाए गए हैं कि प्रश्नकाल के दौरान जब एक व्यक्ति प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछते समय उसे बताना पड़ेगा किस प्रकार का प्रश्न है, तारांकित है अतारांकित है, उसी के हिसाब से मंत्री उसका जवाब देगा, नियम बनाए ना। लोकसभा में अगर मान लो थोड़ा देर के लिए विपक्ष का कोई आदमी है, रूलिंग पार्टी के किसी मंत्री को थप्पड़ मार सकता है क्या? नहीं मार सकते ना, नियम है ना कुछ बने हुए। तो जब आपकी लोकसभा की कार्यवाही चल रही है तो उस लोकसभा की कार्यवाही में यदि व्यवधान आप डालोगे, भाई पर्चा फेंक रहे हो तो व्यवधान ही तो डाल रहे हो ना, तो व्यवधान डालोगे तो सीधा जेल जाओगे। वही हुआ 1987 में त्रिवेंद्र सिंह पंवार के नेतृत्व में जब लोकसभा में पर्चे फेंके गए पृथक राज्य आंदोलन के, तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी ये लोग गिरफ्तार होंगे। लोकसभा में पर्चा फेंकना बहुत बड़ी बात है ना, लोकसभा में एक पिन फेंकना बहुत बड़ी बात है। तो ना लोकसभा की अगर आप दर्शक दीर्घा में गए हुए हो, लोकसभा की अगर कार्यवाही चल रही है तो लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अगर आपको जोर से छींक भी आ गई ना तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। हल्के छींक ना, देखने आ रखा है चुपचाप से देख, इधर डिस्टर्ब नहीं करना, और उधर तो आपने पर्चे ही फेंक दिए, तो पर्चे फेंकते ही क्या होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति लोकसभा की इस कार्यवाही में पर्चा फेंकेगा तो पर्चा फेंकते ही पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, ऑब्वियस बात है ना। और लोकसभा के अंदर से अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो 24 घंटे लोकसभा के बाहर प्रेस वाले खड़े रहेंगे, तो वो प्रेस वालों ने एक मिनट में उनको बड़ी खबर मिल गई, उन्होंने कहा क्या हो गया एकदम से ना, जैसे ही उन्होंने पर्चे फेंके होंगे, जैसे ही इन्होंने अंदर नारे लगाए होंगे ना, अलग उत्तराखंड, एक ही नारा चलता था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, यही नारा लगाते थे ना, तो अंदर से नारे लगाने लग गए। जब इन्होंने नारे लगाए तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट अंदर की तरफ भागेगा, पुलिस अंदर भागेगा तो प्रेस भी अंदर भागेगा। फिर जब पकड़ के उनको बाहर ले जा रहे थे ना त्रिवेंद्र सिंह पंवार और उसके साथियों को, तो जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे तो फिर प्रेस पूछेगी ना उनसे, फिर प्रेस ने पूछा कौन हो आप, तो इन्होंने कहा हम तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी है। क्या है उत्तराखंड राज्य? बोला 46 से डिमांड कर रहे हैं, 1897 से डिमांड कर रहे हैं। जो इन्होंने सोचा था वो हो गया, इनको चाहिए था हाइप और इनको अच्छा खासा हाइप 1987 में मिल गया। 1987 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की लड़ाई करते हुए इस आंदोलन में ये जो घटना हुई ना 1987 में जब इन्होंने पर्चे फेंके, तो इस पर्चा फेंकने की वजह से 1987 ईस्वी में इस दौरान खासकर जिस दिन ये पर्चे फेंके गए उस दिन ये एक नेशनल न्यूज बन गई कि रूलिंग पार्टी जो है इतने वर्षों से एक अलग स्टेट क्यों नहीं बना रही है। विपक्ष तो घेरने की कोशिश करेगा ना, विपक्ष क्या करेगा, रूलिंग पार्टी पर दबाव बनाया गया, क्यों नहीं आप एक अलग स्टेट बना रहे हो, जब उनका भौगोलिक स्थिति नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के साथ नहीं रहना चाहते, तो आप एक अलग राज्य क्यों नहीं बना रहे हो। 1987 में कांग्रेस पर खूब दबाव डाला गया और इस बात का फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने, और 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह ऐलान कर दिया पृथक राज्य की इस लड़ाई में हम हैं उत्तराखंड के साथ। ये है राजनीतिक मुद्दे चलते रहते हैं। 1987 में बीजेपी ने यह डिसाइड कर दिया पृथक राज्य की इस लड़ाई में हम उत्तराखंड के साथ हैं। इतना ही कहती है राजनीतिक पार्टियां, बाकी आगे की लाइन नहीं कहती है। बीजेपी के इस कहने का मतलब क्या है कि पृथक राज्य की इस लड़ाई में हम उत्तराखंड के साथ हैं, इस कहने का मतलब यह है कि अगले विधानसभा चुनाव में हमें जिताओ, हम आपके लिए नया राज्य बनाएंगे। और ऐसा हुआ भी, 1991 के इलेक्शन में उत्तराखंड की पूरी 22 विधानसभा सीटों से 22 बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। उत्तर प्रदेश में पहली बार तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। महत्वपूर्ण निर्णय 1987 में लिखे गए, दो पॉइंट अच्छे लिखना 1987 में। 1987 ईस्वी के अंदर 1987 में जो मैंने कहा ना पर्चे फेंके, उसके लिए जब प्रश्न लिखा हुआ आता है तो एक शब्द लिखता है, लिखना 1987 ईस्वी के अंदर लोकसभा में 1987 ईस्वी के अंदर 1987 में 1987 ईस्वी के अंदर लोकसभा में 1987 ईस्वी के अंदर लोकसभा में त्रिवेंद्र पंवार तथा धीरेंद्र भदौला, ये दोनों नाम याद रखने, त्रिवेंद्र पंवार तथा धीरेंद्र भदौला ने 1987 ईस्वी के अंदर लोकसभा में त्रिवेंद्र पंवार तथा धीरेंद्र भदौला ने पत्र बम फेंके। पत्र बम का मतलब है पर्चा जो बम का काम करे, पत्र बम फेंका, पत्र बम फेंका। लोकसभा में पृथक राज्य आंदोलन के दौरान लोकसभा में पत्र बम फेंकने वाले व्यक्तियों के नाम बताओ, तो आप कहेंगे त्रिवेंद्र पंवार तथा धीरेंद्र भदौला। लोकसभा में पत्र बम फेंके, पर्चा फेंका मतलब ना, सीधी सी बात है कि पर्चा फेंका। लोकसभा में पर्चे फेंकने वाले व्यक्ति कौन थे? त्रिवेंद्र पंवार, धीरेंद्र भदौला। लोकसभा में, विधानसभा में नहीं,
विधानसभा में तरुण पंत मोहन पाठक नाम के दो व्यक्ति थे, विधानसभा में पत्र बम फेंकने वाले व्यक्ति अलग हैं, त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र भदौला वो अलग हैं, लोकसभा में पत्र बम किसने फेंका, त्रिवेंद्र पवार और धीरेन्द्र भदौला, विधानसभा में तरुण पंत मोहन पाठक, बाद में कर लेंगे। तो लोकसभा में पत्र बम फेंका, जब लोकसभा में पत्र बम फेंका तो टर्निंग पॉइंट आ गया 1987 में, लिख लो 1987 में, 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने पृथक राज्य के आंदोलन में उत्तराखंड को सपोर्ट करना प्रारंभ किया। 1987 में, 1987 में भारतीय जनता पार्टी ने पृथक राज्य की इस लड़ाई में उत्तराखंड को अपना समर्थन देना स्टार्ट किया। बीजेपी ने कहा हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। 1987 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पृथक राज्य की इस लड़ाई में उत्तराखंड को समर्थन देना उन्होंने स्वीकार कर दिया, उन्होंने कहा हम हैं भैया, टेंशन मत लो, है ना। पृथक राज्य आंदोलन की इस लड़ाई में तो बीजेपी कब से सपोर्ट कर रहा है उत्तराखंड को, क्या कहोगे? 1987 से, 87 में बीजेपी ने खुलेआम ऐलान कर दिया हम बनाएंगे उत्तराखंड, पूरा नहीं बोलते ना, ये नहीं कहते कि हमको भी वोट दे देना, बस समझ जाओ हम उत्तराखंड बनाएंगे। तो फिर लोगों का ठीक है आप बनाओगे तो अच्छी बात है, कौन से साल में डिसाइड किया? 1987। और फटाफट 1987 ईस्वी के अंदर, जैसे कांग्रेस के होते थे ना अधिवेशन ब्रिटिश काल में, पढ़ते हम कांग्रेस का पहला अधिवेशन, 11वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, हर राष्ट्रीय पार्टी एक साल में एक बार अपनी मीटिंग तो करती है, अपना एक राष्ट्रीय अधिवेशन तो करती है। तो जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन होते वैसे बीजेपी के भी राष्ट्रीय अधिवेशन होते। 1987 में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वो विजयवाड़ा में हुआ, विजयवाड़ा में। और 1987 ईस्वी के अंदर, 1987 ईस्वी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना विजयवाड़ा अधिवेशन कंडक्ट करवाया तो इस विजयवाड़ा अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया पार्टी के मंच से कि पृथक राज्य की लड़ाई में हम उत्तराखंड वालों के साथ हैं, हम सपोर्ट में, हम बनाएंगे एक अलग राज्य। और साथ ही साथ ये कह दिया जो नया राज्य बनेगा उस राज्य का नाम अब उत्तराखंड नहीं होगा, उस राज्य का नाम अब उत्तरांचल होगा, क्योंकि जब हमारा राज्य बना तो राज्य का नाम क्या था? अब सोचने वाली बात है, इतने लंबे समय से डिमांड कर रहे थे उत्तराखंड की, तो अचानक से उत्तरांचल कहां से आ गया? यहां से आ गया। 1987 उत्तराखंड राज्य के लिए उत्तरांचल शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया, लिख लो पॉइंट, 1987 में, 1987 में बीजेपी के विजयवाड़ा अधिवेशन में, 1987 में बीजेपी के विजयवाड़ा अधिवेशन में उत्तराखंड राज्य के लिए पहली बार उत्तरांचल शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तराखंड राज्य के लिए पहली बार उत्तरांचल शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तरांचल शब्द का प्रयोग किया गया। चलो जरा कहानी पे वापिस आ जाओ, स्टोरी ना भूले, हाँ स्टोरी ये है, कथा ये है कि बात सेपरेट स्टेट की चल रही है, अलग राज्य की डिमांड की चल रही है। पहले छुटकन फुटकन लोग बहुत हल्ला कर रहे थे ना, 46 में, 47 में, 52 में, 55 में, 56 में, कुछ नहीं हुआ, 60 में उत्तराखंड मंडल बन गया, कर लो जो मर्जी, जिसको जो करना है कर लो, तय करते रहे करते रहे करते रहे। फाइनली एक दिन 1967 आया, तब हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए एक काउंसिल बनाई, हिल स्टेट काउंसिल, पर्वतीय राज्य परिषद, कब बनी थी? 67। तो 67 से हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा था? पर्वतीय राज्य परिषद। कोशिश करी उन्होंने, चलते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो इस बीच छोटी मोटी घटनाएं होती रही, जैसे 74 में प्रताप सिंह नेगी ने प्रस्ताव लोकसभा में रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1976 आया, 1976 में एक और काउंसिल बन गई, उसका नाम क्या था? उत्तराखंड राज्य परिषद, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल, 1976 में बन गई, उससे भी कोई फर्क नहीं आया। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमने 1979 में पार्टी बना दी, कौन सी पार्टी? यूकेडी बनाई, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 80 के चुनाव में एक सीट आई, 85 में दो सीट आई, इतना ही तो फर्क हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमने लोकसभा में बम फेंक दिया। कहानी तो इतनी है ना, बाकी तो मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं तब से, कहानी तो इतनी सी है। यूकेडी बना दिया, यूकेडी जीता नहीं तो हमने क्या कर दिया, लोकसभा में पर्चे फेंक दिए। जब लोकसभा में पर्चे फेंके तो बीजेपी ने कहा हम आपके साथ है, बीजेपी सपोर्ट में आ गया। और बीजेपी जब सपोर्ट में आ गया तो बीजेपी कह रहा है ठीक है हम राज्य बनाएंगे, और लेकिन जो राज्य होगा भाई साहब उसका नाम क्या होगा? उत्तरांचल होगा। ये वाले भाई साहब का देखो, इनकी इनकी पार्टी का नाम ही क्या था? उत्तराखंड क्रांति दल। और इनको बड़ा अजीब सा लगने लग गया ना, बोल यार भाई जी पहले ही बता देते हम भी पार्टी का नाम उत्तरांचल क्रांति दल रखते ना, हमने तो उत्तराखंड के नाम पे पार्टी का नाम रख दिया यूकेडी। अब 1987 बड़ी दिक्कत होने लग गई ना।
एक तरफ उत्तराखंड की जनता है, एक तरफ पूरी की पूरी पब्लिक है। लोकतांत्रिक देशों में पावर किसके पास होती है? एक तरफ ये भाई साहब है जो 79 से लड़ रहे थे, एक तरफ वो छुनकर मुड़कर है पर्वतीय राज्य परिषद, उत्तराखंड परिषद, उनको हमने कहा भैया ऐसा है तुम निकलो, अब है ना तुमको कुछ करना होता तो कर चुके होते, तुम जाओ अभी ना, अभी अपना एक ही है हीरो बीजेपी। तो अब हमको दो में से एक को चूज करना है, या तो यूकेडी या तो बीजेपी। वो तो साधारण सी बात है ना, इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये कहते ही कि हम उत्तराखंड बनाएंगे, यूकेडी कहीं खोस आ जाएगा ना, लोग कहेंगे चलो तुम निकलो फिर, दो तो सीट लाते हो और नया राज्य कहां से बनाएंगे ना, तभी लोगों का समर्थन उधर नहीं मिलेगा यूकेडी वालों को। यूकेडी वाले ऐसे नहीं चुप रहे, यूकेडी ने इस बीच में लगातार पृथक राज्य के लिए ये लड़ाई करते रहे, ये अलग नहीं हुए, लेकिन हमारा झुकाव थोड़ा सा ज्यादा कहां की तरफ चलने लगा। और बीजेपी की तरफ और झुकाव तब बढ़ गया जब 1988 में भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड राज्य को बनाने की जिम्मेदारी हम अल्मोड़ा के एक शीर्षस्थ नेता सोवन सिंह जीना को दे रहे हैं। सोवन सिंह जीना उस समय एक बड़े नेता थे, सोवन सिंह जी हाँ बीजेपी के बड़े नेता थे। तो 1988 में इन्होंने क्या कह दिया, 1988 में इन्होंने क्या ये कह दिया कि सोवन सिंह जीना आप एक ऐसी समिति का गठन करो जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य का गठन करना हो, और उस समिति को नाम दे दिया क्या, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति। अब उत्तराखंड नहीं लिखना कहीं पर, उत्तरांचल लिखना है, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति लिख लो। 1988 ईस्वी के अंदर, 1988 ईस्वी के अंदर उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया 1988 में, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया अलग राज्य के लिए लड़ने के लिए। देखो बीजेपी वालों ने बना दी उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, कब स्थापित होती है 1988 में, है ना, बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। बीजेपी ने कहा लो, इससे पहले यूकेडी कुछ कर पाए उससे पहले ही बीजेपी वालों ने कह दिया उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन कर दिया, और इस समिति के अध्यक्ष किसको बना दिया, सोवन सिंह जीना को बना दिया। सोवन सिंह जीना उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष बना दिए गए, सोवन सिंह जीना को, सोवन सिंह जीना, सोवन सिंह जीना वर्तमान में आपको पता है ना, सोवन सिंह जीना के नाम पर हमने एक विश्वविद्यालय बनाया है, हाँ कुमाऊं जो विश्वविद्यालय है, जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम है ना हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, ऐसे ही कुमाऊं जो विश्वविद्यालय है ना उसका नाम है सोवन सिंह जीना कुमाऊं विश्वविद्यालय, है ना। तो सोवन सिंह जीना जो है बड़े नेता थे, तो इन्होंने इनको जो है कि अध्यक्ष बना दिया। गढ़वाल से भी वोट बटोरने के लिए ना उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति में मंत्री का पद मोहन सिंह रावत गांववासी को दे दिया, बड़े बड़े नेताओं को पद भी दे दिए। चलो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति इसकी भी स्थापना कर दी। यूकेडी थोड़ा खोने लगा है ना, एक वो पार्टी जिसने जिसका गठन ही इसलिए हुआ था कि उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाए, राज्य गठन के बाद पता नहीं कहाँ है, कहीं दिखते नहीं है, एक आधे मेंबर ही दिख जाते हैं इनके कभी ना, ये गायब सा हो गया, ये अपनी गलतियों की वजह से गायब हुए हैं ना। तो उधर एक तरफ से बीजेपी जो है उसने डिमांड कर दी उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन कर लेंगे। यूकेडी के पास अब कुछ था तो नहीं ना, कुछ भी नहीं था। तो यूकेडी ने 1989 में वो कह रहे थे कि अलग राज्य बनाएंगे, तो यूकेडी ने कहा ठीक है अगर बीजेपी ही अलग राज्य बनाता है तो ठीक है, वेलकम है, हम बीजेपी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब राज्य बन जाएगा, बीजेपी वालों को कह रहे ना जब आपका राज्य बन जाएगा ना तो इस राज्य की राजधानी ना भाई साहब गैरसैंण बना देना, बीजेपी को क्या पता था। तो कहीं तो आएगा ही ये ना यूकेडी, बोला हमारा तो प्रश्न में नाम ही नहीं आ रहा है, 79 के बाद गायब ही हो गए तो कहीं तो आ जाए। इन्होंने एक नया मुद्दा उठा दिया राज्य का जब गठन हो जाए, 89 से पहले पता ही नहीं था, 89 से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहां बनाई जाए। पहली बार क्या पॉइंट लिखोगे, 1989 में 1989 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा 1989 ईस्वी के अंदर 1989 ईस्वी के अंदर 1989 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा यूकेडी के द्वारा उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण को गैरसैंण को चुना गया। इन्होंने कहा गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए,
यूकेडी, सबसे पहली बार उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण बने, ये प्रस्ताव सबसे पहली बार कौन और कब लेके आया, तो क्या कहेंगे यूकेडी लेके। तो यूकेडी का राजधानी गैरसैंण होना चाहिए। बीजेपी को इस बार किसी भी हाल में जीतना था, 1991 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में, हर हाल में जीतना था। तो फिर बीजेपी ने कहा यूकेडी को पीछे क्यों छोड़े, आपको भी साथ लेकर के चलते हैं। ये जो समिति थी ना, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, भारतीय जनता पार्टी ने यूकेडी को कहा चलो तुम भी साथ हो लो, हमारे साथ हो लो, हम तो एक अलग स्टेट की डिमांड के लिए लड़ रहे हैं आपके लिए। और ऐसा है, ये जो संघर्ष समिति है ना, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति, अभी तक तो सिर्फ कौन लड़ रहा था इसके लिए, बीजेपी लड़ रहा था। अब यूकेडी आप भी लड़ लो, कुछ नहीं करना, बोला यहाँ पे संयुक्त लगाना है, ईयर बदल जाएगा। 1989 ईस्वी के अंदर उत्तरांचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तरांचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब कर दिया गया, 1989। एक ऐसी समिति जिसमें यूकेडी और बीजेपी दोनों की दोनों पार्टियां जो है सेपरेट स्टेट के लिए लड़ाई लड़ने लगी 1989 ईस्वी के अंदर। 1989 ईस्वी के अंदर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया, उत्तरांचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष, संयुक्त बस एक वर्ड जोड़ देना, संयुक्त का मतलब नहीं, 1989 हो गया ना, 89, ये देखो इस वाले साल में है ना, पहले 87 था, अब क्या हो गया 1989, पहले 88 था ना, अब 89, अगले साल 1989 में 1989 ईस्वी के अंदर उत्तरांचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया। अब थोड़ा राजनीतिक डिस्प्यूट चलते रहेंगे कई समय तक, राजनीतिक मुद्दे चलते रहेंगे। उत्तरांचल राज्य का गठन करने के लिए, उत्तरांचल राज्य का गठन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1988 ईस्वी में उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, शोभन सिंह जीना थे 1988 में। 1989 में जैसे ही यूकेडी ने कहा राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, तो बीजेपी और यूकेडी साथ हो गए और एक और समिति बन गई, उस समिति को बोलते उत्तरांचल, उत्तरांचल प्रदेश संयुक्त संघ, संयुक्त वर्ड जोड़ देना है, कंबाइंड बस एक वर्ड जोड़ गया। 89 के बाद 1990 91 का चुनाव हुआ, हाँ किस पे, अध्यक्ष पे कोई फर्क नहीं, वो चल रहा है सुमन सिंह जीना जो है उसको चला रहे हैं ना, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी समितियां थोड़ी है, तो ऐसे ही लोकल छोटे छोटे नेताओं की पार्टी बन रही है। चलो चलते रहे, 90 के इलेक्शन हुए, बीजेपी ने वादा किया था अगर हम जीतेंगे तो उत्तराखंड बनाएंगे, और हुआ भी वही, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। उत्तराखंड से 22 विधानसभा सीटें होती थी उत्तर प्रदेश में, तब 22 विधायक उत्तराखंड के होते थे, तो अगर 22 विधायक एक तरफा हो जाएंगे तो कुछ वोट तो वो यूपी से भी लेंगे। तो 1990 ईस्वी के अंदर जो है इलेक्शन में बीजेपी जीत गया, सीएम बने कल्याण सिंह रावत, हाल ही में निधन हुआ ना कल्याण सिंह रावत का, दो चार दिन पहले, कल्याण सिंह रावत निपट गए, अच्छे नेता है उत्तराखंड के लिए तो बड़े नेता है। कल्याण सिंह रावत 1991 ईस्वी के अंदर सीएम बन गए, और 1991 में जब यूपी के सीएम बने कल्याण सिंह रावत, तो इन्होंने अपना वादा निभाया जो इन्होंने वादा किया था। इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम बनाएंगे उत्तराखंड, हम उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव जो है, उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव हम उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित करवाएंगे, हम उत्तराखंड राज्य का गठन करवाएंगे। एक कल्याण सिंह रावत मैथी भी है, वो पर्यावरणविद है, उनका कोई मतलब नहीं, ये कल्याण सिंह रावत जिनका हाल ही में दो चार दिन पहले निधन हुआ, इनकी बात कर रहे हैं, यूपी के सीएम थे। तो कल्याण सिंह रावत की सरकार ने 1991 ईस्वी में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है याद रखेंगे, 12 अगस्त 1991, ये बड़ा साल है 91, 12 अगस्त 1991 उत्तर प्रदेश के अंदर वो तिथि है, वो प्रथम तिथि है जब पहली बार उत्तरांचल प्रस्ताव, उत्तरांचल राज्य को बनाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से पारित हुआ। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से उत्तरांचल राज्य को बनाने का प्रस्ताव प्रथम बार, पहली बार कब पारित हुआ, 12 अगस्त 1991 को, 12 अगस्त 1991 ईस्वी को पहली बार उत्तरांचल राज्य को बनाने के लिए जो उत्तरांचल प्रस्ताव था वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से, विधानसभा विधान परिषद पूरा विधानमंडल से पारित हो गया है ना। उन्होंने कहा यूपी सरकार ने कहा ठीक है हमें कोई टेंशन नहीं, सेंटर गवर्नमेंट बना सकती है। याद है राज्य गठन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्रस्ताव आपको स्टेट गवर्नमेंट से पारित करवाना पड़ेगा, राज्य विधानमंडल जब प्रस्ताव पारित कर लेगी तब जाएगा वह केंद्र सरकार के पास है ना। तो इन्होंने कह दिया हमें कोई दिक्कत नहीं है, संसद
अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड राज्य बना दो, है ना। और उत्तराखंड वाले खुश, इतने लंबे सालों के बाद ना, कितने साल के बाद खुशी आई, कब से लगे थे 46-47। 12 अगस्त को जैसे ही उत्तरांचल प्रस्ताव पारित हुआ, उत्तराखंड के लोगों ने सोच दिया, उत्तराखंड वाले थोड़ा सा दिल से ले लेते ना सारी चीजों को, इसलिए थोड़ा फेल भी हो जाते हैं। और 12 अगस्त को यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ और यहाँ गलियारों में बात चलने लग गई, 12 अगस्त को ही बनाएंगे बल अपना राज्य, है ना, जैसे इतना आसान होगा ना। और 12 अगस्त को पहली बार उत्तराखंड में उत्तरांचल दिवस मना दिया गया। पृथक राज्य आंदोलन के इतिहास में पहला उत्तरांचल दिवस कब मनाया गया था? आप कहेंगे 12 अगस्त 1991। 12 अगस्त 1991 ईस्वी को पहली बार 12 अगस्त 1991 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य में पहली बार उत्तरांचल दिवस मनाया गया। उत्तरांचल दिवस मनाया गया, खुश मतलब यहाँ के लोग ना सब खुश। सोवन सिंह जीना से लेके मोहन रावत गांववासी हो, कोई हो, आदमी हो गया खुश, बोला चलो भाई जी अब हो गया, है ना। अब जितने लोग थे ना, इनको भी कह दिया, इधर भारतीय जनता पार्टी वालों ने इनको कह दिया, अब बोला फालतू मत आना इधर, हाँ डेली डेली नहीं आना इधर, हो गया बस, राज्य ने प्रस्ताव पारित कर दिया, अब कुछ नहीं, अब ये लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा से पारित होगा, पॉजिटिव ही सोचेंगे ऑब्वियस बात है, फिर भैया राज्यसभा से पारित होगा, प्रेसिडेंट साइन कर गया, बन गया नया राज्य ना, लोग खुश, लड्डू खाओ बोला अब तो ना। 12 अगस्त 1991, फिर बस अब वेट यही कर रहे थे कि भाई जी लोकसभा में कब जाएगा, तो लोकसभा में ऐसा तो है नहीं कि एक यही काम हो, है ना, तो समय लगेगा, लोकसभा भी चले जाएगा, टेंशन मत लो, तब तक बोला अपना बढ़िया ढंग से रहो, बाकी चीजें तो आप डिसाइड कर ही चुके हो, अब सिर्फ एक चीज पर दिक्कत आ रही थी, अब यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो लोकल पार्टीज थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई या फिर जैसे UKD हो गई, अब इनको एक ही चीज का टेंशन सता रहा था, हमारा उत्तराखंड कैसे दिखेगा ना। बोला दिखेगा कैसे, ये उत्तराखंड जब बन जाएगा तो यार दिखने में कैसे होगा ना, तो बोला चलो नक्शा काटना स्टार्ट करो, तो ये नक्शा काट रहे थे धीरे धीरे, तो इन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये तो निर्विरोध रूप से इतना तो आ रही है ना, ये वाला तो जो हिस्सा है ये तो आ ही रहा है हमारे पास। नीचे का बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाएं या ना मिलाएं, तो 1987 से 1987 ईस्वी से, जब हरिद्वार जिला भी नहीं बना था, 88 में जिला बन रहा है हरिद्वार, 1987 में हरिद्वार जिला के बनने से पहले एक व्यक्ति थे पूरन चंद रंगवाल, वो लगातार डिमांड करे ना जी हरिद्वार तो उत्तराखंड में ही आएगा, फिर बड़ा डिस्प्यूट ये था कि ठीक है आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कहां तक आएगा, UKD कह रहा था चंडी घाट तक का ही हरिद्वार हमको चाहिए, और कुछ पार्टियां कह रही थी पूरा हरिद्वार हमको चाहिए, वो अलग मुद्दे चल रहे हैं ना, दिखेगा कैसे, तो इन्होंने कहा ऐसा है फिलहाल के लिए इतना ही क्लोज कर देते हैं, ऐसा होगा बोला उत्तराखंड, है ना। तो इन्होंने कहा भाई जी एक तो उत्तरकाशी चाहिए हमें, एक हमें चमोली चाहिए, एक हमें पिथौरागढ़ चाहिए, ये तीन तो निर्विरोध चाहिए, और बोला भाई जी इसके नीचे वाला टिहरी गढ़वाल ये भी चाहिए, अभी देखो 91 है तो ये रुद्रप्रयाग चंपावत वगैरह थे नहीं अभी इस दौर में, है ना, तो इन्होंने कहा एक इसके अलावा पौड़ी चाहिए, अल्मोड़ा चाहिए और नैनीताल चाहिए, बस कितने हो गए 3 और 2 5 और 6 7 और 1 ये भी चाहिए 13, है ना, तो कुल मिला के कितने जिलों की डिमांड चल रही थी 8, बोला 8 जिले चाहिए, बाकी हमें क्या मतलब, एक उत्तराखंड निकाल दो, उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ अल्मोड़ा इधर निकाल दो, नैनीताल पौड़ी टिहरी देहरादून, बोला भाई जी ऐसा होगा हमारा उत्तराखंड ना, ये सब सोच रहे थे इस टाइम पे। फिर बात आई कि राजधानी कहाँ होगी, अगर ऐसा आपका उत्तराखंड होगा 8 जिलों के साथ तो राजधानी कहाँ पर होगी, तो इन्होंने कहा राजधानी कहाँ पे होगी, क्या 89 में डिसाइड कर तो रखे राजधानी गैरसैंण होगी, है ना, UKD ने पहले डिसाइड कर रखा था राजधानी जो है गैरसैंण होगी, पता नहीं क्या मूड घुमा ना, क्योंकि UKD बहुत ज्यादा उन दिनों चर्चाओं का विषय नहीं बना हुआ था, तो UKD चर्चाओं का विषय बनने के लिए UKD ने कहा इस गैरसैंण में एक अर्जेंट बैठक बुला रहे हैं भाई, उसको बोलते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन, एक होता है अधिवेशन वो होता है महाधिवेशन, और फटाफट से एक अधिवेशन बुला दिया, तिथि थी 15 जनवरी 1992, 15 जनवरी 1992 को UKD वालों ने गैरसैंण में एक अर्जेंट बैठक बुला दी, बोला सारे लोगों का आना जरूरी है, सब लोग पहुंचे, और यहाँ पे UKD देखो क्या क्या बातें बोल रहे हैं, 15 जनवरी 1992 बीजेपी भी पहुंचा हुआ है वहां, भारतीय जनता पार्टी भी आ गया, सब लोग आ गए, UKD ने कहा बात नंबर एक राजधानी गैरसैंण होगी, पक्की बात है राजधानी गैरसैंण ही होगी, बात नंबर दो आज के बाद इसको कोई गैरसैंण नहीं कहेगा, ये चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया चंद्रनगर, बात नंबर तीन जिलों की संख्या 8 होगी, और बात नंबर 4 निकलो बस खत्म कहानी, बस बोला इतनी सी बात है, हो गया आज का कार्यक्रम खत्म। 15 जनवरी 1992 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल ने यह निर्धारित कर दिया कि उत्तराखंड राज्य में कितने जिले होंगे 8 जिले होंगे, उत्तराखंड क्रांति दल ने यह निर्धारित कर दिया कि इस राज्य की राजधानी चंद्रनगर होगी, जो किसका नाम था गैरसैंण का, उसी समय उन्होंने नाम भी कन्वर्ट कर दिया, कहा कि चंद्रनगर इसकी राजधानी होगी, जिलों की संख्या कितनी होगी 8 जिलों के साथ जो है
हम उत्तराखंड राज्य का गठन करेंगे, ये सारी की सारी बातें बोल दी। और 15 जनवरी 1992 ईस्वी को ये जो सारी की सारी घटनाक्रम हुए ना, इस घटनाक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल ने ये जो एक रफ मैप तैयार किया, ये जो एक रफ मैप तैयार करते ना, इसको बोलते हैं यूकेडी का ब्लूप्रिंट। उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे, लिख लो एक लाइन में, 15 जनवरी 1992 को, 15 जनवरी 1992 ईस्वी को, 15 जनवरी 1992 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड क्रांति दल ने जिलों की संख्या 8 या 9 है, जिलों की संख्या 9, हरिद्वार भी है, इसको भी यहां डिमांड कर रहे थे मिलाने की। 15 जनवरी 1992 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल ने, यूकेडी ने 9 जिलों के साथ, 15 जनवरी 1992 ईस्वी को यूकेडी ने 9 जिलों के साथ चंद्रनगर को उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी घोषित किया। चंद्रनगर मतलब गैरसैंण, चंद्रनगर को उत्तराखंड की या उत्तरांचल की, जो भी नाम कहोगे, प्रस्तावित राजधानी घोषित किया। चंद्रनगर को उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी घोषित किया। कब की कहानी है? 15 जनवरी 1992, ब्रैकेट में लिख लो यूकेडी का ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ यूकेडी। इस घटना को क्या कहते हैं? उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रफ नक्शा तैयार कर देना, यूकेडी का ब्लूप्रिंट, उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट। 12 अगस्त 1991 उत्तर प्रदेश विधानमंडल से प्रस्ताव पारित हो गया। जब उत्तर प्रदेश विधानमंडल से पारित हो गया प्रस्ताव, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पारित होने के बाद 15 जनवरी 1992 को यूकेडी ने एक ब्लूप्रिंट बना दिया कि ऐसा राज्य होगा हमारा, और इसके ठीक बीचों बीच में यहां पर गैरसैंण जो है वो राजधानी होगी। सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। अब बस एक ही चीज पे हम लोग टिके हुए हैं कि कब ये प्रस्ताव लोकसभा पहुंचे, लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा से पारित हो जाए, राष्ट्रपति साइन कर दे, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन हो जाए, है ना, बाकी खत्म, सारे लोग अपने अपने घर में बैठे हुए। तो अगस्त 1991 में प्रस्ताव राज्य से पारित हो गया था, फिर यूकेडी ने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दिया था, और फाइनली 5 अगस्त 1993 ईस्वी को यह प्रस्ताव पहली बार भारत की लोकसभा में पेश हुआ। उत्तरांचल प्रस्ताव पहली बार भारत की लोकसभा में कब पेश किया जाता है? तब आप कहेंगे 5 अगस्त 1993, 5 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त 1993 ईस्वी को उत्तरांचल प्रस्ताव पहली बार भारत की लोकसभा में पेश हो गया। उत्तरांचल प्रस्ताव प्रथम बार, पहली बार, क्योंकि बाद में भी जाएगा ना प्रस्ताव, तो फाइनली जब पारित होने गया 1 अगस्त को, 10 अगस्त को, तो वो तो फाइनल टाइम है, लेकिन पहली बार उत्तरांचल राज्य के गठन को, उत्तरांचल राज्य को बनाने के लिए उत्तरांचल प्रस्ताव को पहली बार जो है लोकसभा में कब पेश किया जाता है? तो क्या कहेंगे? 5 अगस्त 1993। यहां के लोगों के लिए ये बड़ा दिन होगा, समझ सकते ना, 5 अगस्त 1993 कितना बड़ा साल रहेगा उत्तराखंड के लोगों के लिए, बड़ा साल रहेगा ना, लोगों का बस भाई जी नरसिंह पूज लिया इसी दिन, 5 अगस्त 1993 भाई जी बस लोकसभा से पारित हो जाए, क्योंकि लोकसभा से अगर बिल पारित हो जाते हैं तो जनरली ऐसा है कि भाई राज्यसभा से तो हो ही जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा कर देगा, राष्ट्रपति को क्या दिक्कत है ना, ऐसा लग रहा था। 5 अगस्त 1993 को जब लोकसभा में बिल पेश किया गया, उस पर मतदान हुआ, तो मतदान में सिर्फ और सिर्फ 93 वोट पड़ गए इस पक्ष में, सिर्फ 93 सांसदों ने कहा हाँ, बाकी ने कह दिया ना, तो 93 के हाँ कहने से कुछ होता नहीं है, तो राज्य नहीं बन सकता है। राज्य बनने का तो सिंपल सा नियम है, साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित होना पड़ेगा। जितनी आपकी लोकसभा की सीटों की संख्या है उसका 1/2 से ज्यादा, मतलब मान लो 100 है तो कितने लोगों को हाँ कहना पड़ेगा? 51 लोग, लगभग 500-550 के आसपास हमारी लोकसभा में सीटें होती है, तो 550 का मतलब 250 लोगों को हाँ कहनी है, 93, तब तुम कितना यार भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं चलता। 93 ने कहा हाँ, तो हाँ का मतलब है प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो जब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो उत्तराखंड नहीं बनेगा, बन सकता था ना। 5 अगस्त 1993 अच्छा मौका था, राज्य का गठन हो सकता था। अब कुछ नहीं, अब ये नहीं कि फिर से अगली बार लोकसभा में ही जाएगा, ये नहीं, अगर फिर राज्य बनाना है तो फिर से विधानसभा से पारित करना पड़ेगा, ये वाला नहीं चलेगा कि अंकल जी यहां से तो हो ही रखा है अब आप सीधा लोकसभा में करो, ऐसा नहीं, अब विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, खत्म। जब ये खत्म हुआ ना,
यहाँ बड़ी बात समझो, 1900 क्या फर्क पड़ रहा है 19, ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि राज्य से प्रस्ताव एक ही बार पारित हो सकता है, ये नियम थोड़ी है, राज्य से करवाओ। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लोकसभा से फेल हो गया, फिर से फोन कर दिया कल्याण सिंह रावत को, अंकल जी फिर कर दो एक बार ना, बस आप फिर करो, हम फिर लोकसभा में लेके जाते, क्या पता इस बार हो जाए। एक बार तो प्रस्ताव पारित हो चुका था, कब, 12 अगस्त 1991, वापिस इसको इससे पहले कि स्टेट गवर्नमेंट के पास वापिस इस बिल को लेकर के जाए, स्टेट गवर्नमेंट फिर से इसको पारित करे, कल्याण सिंह रावत की खुद की सरकार गिर गई, ये सीएम से बाहर निकल गए, इनकी सरकार गिरी, अब नए बन गए सीएम साहब, और नए सीएम साहब कौन थे, मुलायम सिंह रावत, मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने से पहले ही ये बात डिसाइड कर चुकी थी, बोल चुकी थी कि जो काम कल्याण सिंह रावत की सरकार ने नहीं किया वो काम हम करेंगे, टेंशन मत लो, हम बनाएंगे उत्तराखंड राज्य। तो अपने को भरोसा भी हो गया कि चलो क्या पता मुलायम सिंह यादव की सरकार बना दे, उन्होंने कुछ समितियां भी बनाई ना, कौशिक समिति का भी गठन कर दिया, तो वो तो बिल्कुल जल्दबाजी के मूड में लग रहे थे, आते ही उन्होंने जनवरी 1994 के आसपास में कौशिक समिति भी बना दी, कौशिक समिति ने 2-3 महीने के अंदर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, कौशिक समिति ने कहा देखो भाई जी बस इतना है कि 9 जिले नहीं बनेंगे 8 बनेंगे, उन्होंने कहा 9 के स्थान पर 8 जिले, हरिद्वार को हम उत्तराखंड नहीं दे रहे, हरिद्वार को छोड़ के बाकी जो है वो उत्तराखंड बना लो, तो 8 जिले होंगे। उन्होंने भी कह दिया कि राजधानी या तो गैरसैंण बना लो, अगर मूड नहीं है तो रामनगर बना लो, तो कौशिक समिति का भी गठन हो गया, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। लेकिन इस बीच में मुलायम सिंह यादव की सरकार में कुछ ऐसी घटनाएं प्रारंभ हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आने लग गई, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसको हम हिस्टोरिकल वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, कि ओबीसी आरक्षण को लागू करने की वजह से 8 अगस्त से ही लड़ाई झगड़ा लगभग स्टार्ट हो गया था, 8 अगस्त से ही ना जो मुलायम सिंह यादव की सरकार है और उत्तराखंड के लोग आपस में लड़ रहे थे, आरक्षण को लेकर आंदोलन चलने लगा। तो मुलायम सिंह यादव की सरकार का जब विरोध होने लगा तो ये भी चुप क्यों रहे थे, इन्होंने 24 अगस्त 1994 को उत्तरांचल प्रस्ताव को दूसरी बार पारित कर दिया। उत्तरांचल प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से पहली बार कब पारित हुआ, 12 अगस्त 1991, दूसरी बार कब पारित हुआ तब लिखना 24 अगस्त 1991। मैं घटनाक्रमों की बात नहीं कर रहा हूं, मसूरी कांड नहीं बात कर रहे हैं अभी, ठीक, पौड़ी क्रांति उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये प्रस्ताव कैसे कैसे पारित होता है, बाद में जब हिस्टोरिकल जब हिस्ट्री में आएगा ना पृथक राज्य का आंदोलन तो वहां डिस्कस कर लेंगे। 24 अगस्त 1994 उत्तरांचल प्रस्ताव विधानसभा से दूसरी बार पारित हुआ, उत्तरांचल प्रस्ताव विधानसभा से दूसरी बार पारित हो गया, मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित करवा दिया, ठीक, फिर वही मौका, अब प्रस्ताव कहां जाएगा, राज्य से तो पारित हो गया, तब स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, अब कहां जाएगा, फिर से लोकसभा, है ना, फिर से हम लोग टीवी खोल के बैठ गए कब जाए लोकसभा में, पिछली बार 91 में पारित होकर 93 पहुंच गया था, तो उम्मीद थी कि 94 का है तो 95 तक पहुंच जाएगा, लेकिन 24 अगस्त 1994 के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार की स्थिरता के दिन नहीं रहे, इसके ठीक बाद ना जैसे ये दिन खत्म हुए 1 सितंबर को मसूरी खटीमा में गोलियां चल गई ना, खटीमा कांड हो जाता है 1 सितंबर को, पुलिस की गोलियों से 8 उत्तराखंड के लोगों की डेथ हो गई, 8 लोग उनकी डेथ होगी, और पुलिस किसके अधिकार क्षेत्र में, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में, इसका मतलब पुलिस अपनी मर्जी से थोड़ी गोली चला रही होगी ना, इसका मतलब राज्य सरकार कह रही होगी गोली चलाने को, शायद 1 तारीख को शहीद होने वाले लोगों के लिए एक शांति सभा आयोजन किया जा रहा था मसूरी में, कैंडल मार्च निकाल रहे थे लोग कि जिन लोगों की कल डेथ हुई तो उनकी याद में कैंडल मार्च निकाल रहे थे, पुलिस आई फिर गोली मारी, 7 और लोगों की मृत्यु है ना, 8 शहीद पहले हो गए, 7 शहीद अगले दिन, 2 दिन में स्टेट गवर्नमेंट की वजह से 15 लोगों की डेथ हो गई, 2 ही दिन, 15 अगस्त को बाटा घाट का कांड और फिर उत्तराखंड में उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का काला दिन कहा जाने वाला मुजफ्फरनगर का कांड भी हो गया 2 अक्टूबर को। यहाँ के लोगों ने तो डिमांड करी थी, इन्होंने ना प्लान बनाया, जब खटीमा में गोलियां चली, मसूरी में गोलियां चली, बाटा घाट में लोगों को जंगल फेंक दिया सीधा ना, तो इन लोगों ने डिमांड करी स्टेट गवर्नमेंट से बात ही नहीं करनी, सीधा जाते हैं सेंटर गवर्नमेंट के पास, केंद्र से बात करते हैं, स्टेट में चल क्या रहा है, तब कभी अंग्रेजों के जमाने भी ऐसा नहीं हुआ है, उत्तराखंड में ना ब्रिटिश काल में भी गोलियां नहीं चली इतनी, ब्रिटिश काल की एक भी ऐसी घटना नहीं है जहां 15 लोगों की डेथ 2 दिन में हुई होगी, पूरा अंग्रेजों के शासन काल में भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मुश्किल से 5 होगी, मुश्किल, भारत छोड़ो जो अंग्रेज थे, और एक स्वतंत्र देश में अपनी ही मुलायम सिंह यादव को सीएम किसने बनाया, हमने ना, हमारी खुद की चुनी हुई सरकार हम पे गोलियां चला रही है,
और सेंटर चुप बैठा हुआ है ना, शांत बैठा हुआ है। तो लोगों ने कहा चलो सेंटर पे बात कर रहे हैं, और दिन भी बड़ा बढ़िया डिसाइड किया था, 2 अक्टूबर गांधी जी का हैप्पी बर्थडे रहता है इस दिन। तो जनरली ये माना जाता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के हैप्पी बर्थडे के दिन, ये अहिंसात्मक है, इस दिन तो शायद कोई गोली नहीं चलाएगा ना, लेकिन 2 अक्टूबर 1994 को इससे पहले यहाँ के लोग पहुंचते दिल्ली रामलीला मैदान में, मुजफ्फरनगर में बैरिकेड लगा के गाड़ियां रोक दी। और लगभग जानते होंगे सब लोग ना, अब मैं इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा अभी, मुजफ्फरनगर का एक कांड हो गया है ना। तो मुजफ्फरनगर कांड, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का काला दिन कहा जाता है ना, रामपुर तिराहा कांड को, मुजफ्फरनगर कांड को, पता नहीं कितने लोगों को गोली मार दी, पता नहीं कितने लोग मर गए, पता नहीं कितने लापता हो गए, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होगी, बहुत सारी बातें। 2 अक्टूबर जो कुछ हुआ 2 अक्टूबर को, इस 2 अक्टूबर 1994 से उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा। और ये भी कहा जा सकता है ये वो पहला दिन था 2 अक्टूबर 1994 जब पहली बार राजधानी के रूप में गैरसैंण को छोड़ के लोगों ने देहरादून को अच्छा ऑप्शन माना। 2 अक्टूबर 1994 दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को मुजफ्फरनगर, मतलब ये कांड जो हुआ है ना वो 1 अक्टूबर 1994 की रात को, तो रात को है मतलब 2 अक्टूबर का 12 बजे के बाद तो 2 अक्टूबर हो जाएगा है ना। 1 अक्टूबर 1994 की रात को मुजफ्फरनगर कांड हो गया। मुजफ्फरनगर कांड के बाद ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस ही बात है ना, उत्तराखंड के लोग जो है अब गुस्से में रहेंगे। अब ये गुस्से में थे, तो उत्तराखंड के लोग जब गुस्से में हुए तो आगजनी की घटनाएं होने लगी, पुलिस चौकियों पर आग लगा दी, ट्रेन की लाइनें उखाड़ दी, बहुत सारी घटनाएं, सरकारी दफ्तरों पर आग लगा दी लोगों ने। तो वो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो इस समय उत्तर प्रदेश में ना राज्यपाल होते थे मोतीलाल वोरा, जब मोतीलाल वोरा ने देखा कि सीएम की वजह से ये सब हो रहा है तो उन्होंने सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। मुलायम सिंह यादव की सरकार बर्खास्त कर दी गई, आपकी वजह से ये कुछ हो रहा है भाई। और ये तो बड़े धड़ल्ले से 95 में श्रीयंत्र टापू में भी गोली चला के आगे, इतना होने के बाद ये श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में 2 आदमी वहां भी टपका दिए उन्होंने है ना, तो वहां भी गोलियां चला दी। तो मोतीलाल वोरा ने राज्य में सरकार को बर्खास्त कर दिया, बोला मुलायम सिंह यादव आप सरकार नहीं चला सकते, आप निकलो, चुनाव फिर से करवा दिए। अगले इलेक्शन हुए, बीजेपी फिर से खड़ा, बोला तभी तो बोला था हमको लाओ ना, कम से कम गोली तो नहीं चलाते। तो कल्याण सिंह रावत वापिस आ गए, अब की बार गठबंधन बनाया मायावती के साथ। 1995 में जब इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया, तो इनकी सरकार को बर्खास्त करने के बाद नई सरकार बन गई, और नई सरकार किसकी थी, मुलायम सिंह यादव को हटा करके भारतीय जनता पार्टी और मायावती के गठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन हमें क्या मतलब सरकार से, हमें मतलब इस बिल से भाई जी, बिल पारित हो रखा है स्टेट से, इसको लोकसभा में ले जाओ, ये बिल लोकसभा में जाए, इससे पहले कि ये लोकसभा में पहुंचता यहां सरकार गिर गई। अब लोकसभा ये कह रही है ठीक है हमें दिक्कत नहीं है, ये बिल पारित हो रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोकसभा में रख देते हैं इसको, लेकिन सरकार ही बदल गई है और जो नई सरकार है ना हमें उसकी स्वीकृति चाहिए। नई सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है, क्योंकि जिस सरकार ने यह बिल पारित किया है वो सरकार ही नहीं है हमारे पास। तो भैया जो नई सरकार है ना उससे इस बिल को एक बार स्वीकृति दिला के लाओ। राम दो मजाक थोड़ी है, उत्तराखंड बनना ना, क्या क्या चल रहा है इधर। अब फिर से उत्तराखंड तीसरी बार, उत्तरांचल विधेयक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तीसरी बार कब पारित हुआ, लिख लो तिथि 24 अप्रैल 1997 उत्तरांचल विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा से तीसरी बार पारित हो गया 24 अप्रैल 1997 उत्तरांचल 24 अप्रैल 1997 तीसरी बार उत्तरांचल विधेयक जो है वो कहां से पारित हो गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से। 24 अप्रैल 1997 को ये बिल को पेश यहां से पास कर दिया, बोला अब लो अब तो दिक्कत नहीं है, अब बिल कहां जाएगा, लोकसभा में। लेकिन याद है कल मैंने क्या कहा था, राज्य सरकारों के द्वारा प्रस्तावित होने वाले इस बिल को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है, केंद्र सरकार इस बिल के लिए एक मंत्रियों का संगठन तैयार करती है, उसके बाद इसको लेकर के पहुंचते हैं किसके पास, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति फिर बिल वापिस भेजता है ना, आसान नहीं है, राष्ट्रपति फिर से बिल वापिस भेजता है स्टेट गवर्नमेंट के जो विधायक है उनकी राय को जानने के लिए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो इससे पहले लोकसभा से वो बिल, मतलब केंद्र सरकार राष्ट्रपति के हाथों उस बिल को स्टेट गवर्नमेंट में पहुंचा देती, लोकसभा में अब एक और ही हल्ला हो गया, लोकसभा में अलग ही हल्ला चल रहा है। लोकसभा वाले कह रहे हैं कि भाई जी ऐसा है उद्धम सिंह नगर को भी जोड़ो उत्तराखंड में, यहाँ अलग ही चल गया टेंशन ना। बोला उत्तराखंड अगर बनेगा तो उद्धम सिंह नगर के साथ बनेगा, उद्धम सिंह नगर अगर उत्तराखंड में जाएगा तो ही बनने देंगे, अकाली दल वाले ना हल्ला करने लग गए,
उन्होंने कहा उत्तराखंड बनेगा तो उद्धम सिंह नगर उत्तराखंड में होगा भाई साहब। और इन्होंने कहा यार भाई जी मत करो ना, मैं तो गड़बड़ क्यों करवा रहे हो इधर, हमने तो इधर उद्धम सिंह नगर का नाम ही नहीं लिखा। अब उद्धम सिंह नगर का नाम लिखना तो फिर राज्य सरकार में फिर बिल जाएगा, फिर वहां से लिख के लाना पड़ेगा ना, जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। अभी जिलों की संख्या कितनी थी? 9, अब कितनी हो जाएगी? 10। तो हम तो 9 लिख के लाए और आप अचानक से अभी 10 कह रहे हो। और उधर एक काम और खराब हो गया, 97 में 3 और जिले बन गए, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, और हम 9 लिख के लेके जा रखे थे, हमने लिखा था 9 जिले, और इधर जिलों की संख्या 12 हो गई, तो बड़ी दिक्कत होगी। और उधर 13वां और पीछे से आ रहा है, उद्धम सिंह नगर को भी ऐड करो, क्या करना था मजबूरी में ना। बोला चलो चौथी बार, अब फिर से एक बार 22 सितंबर 1998 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा से, विधान परिषद से, मतलब विधानमंडल से ये बिल चौथी बार पारित हो गया, 22 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल से बिल को चौथी बार पारित करवा दी, है ना, चौथी बार। चलो फिर बिल पेश हुआ 22 सितंबर 1998 को, जो बिल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश होता है ना, उसका नाम होता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1998। लेकिन इससे पहले वो लोकसभा से पारित हो जाए, मायावती ने समर्थन वापस ले लिया, बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, जाओ खत्म, है ना। फिर बीजेपी अकेले वापस सत्ता में आई, ठीक। तो राम प्रकाश गुप्त जो है उत्तर प्रदेश के सीएम चुने गए भारतीय जनता पार्टी के से। राम प्रकाश गुप्त की सरकार ने फिर से एक बार बिल, अंतिम बार, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से उत्तराखंड का बिल कितनी बार पारित हुआ? 5 बार, पांचवी बार फाइनल पारित हो जाएगा। तो अंतिम बार, ये तिथियां मैं इधर लिख लेता हूं ताकि आप अच्छी लिस्ट बना सको, 29 मार्च 2000 बकायदा लिख देना यहां पर, 29 मार्च 2000 डैश करके लिखना, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 2000 ईस्वी आ गई है, ठीक। तो बिल का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, 29 मार्च 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 राज्य विधानमंडल से अंतिम बार पारित हुआ, राज्य विधानमंडल से अंतिम बार पारित हुआ 29 मार्च 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 अंतिम बार, लास्ट बार विधानमंडल से पारित। अब विधानमंडल वालों ने कहा, उस समय जो है ना जब ये बिल पारित हुआ था तब राम प्रकाश गुप्त सीएम, वो कुछ दिन बाद हट गए, फिर राजनाथ सिंह सीएम बन गया। जिस समय उत्तराखंड बना तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी के सीएम कौन थे उस समय, मतलब यूपी के सीएम कौन थे? राजनाथ सिंह, जो अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है। तो राजनाथ सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम होते थे। तो 29 मार्च 2000 को बिल पारित हो गया। बिल पारित होने के बाद राजनाथ सिंह ने भी कहा वापिस मत लाना, अब उधर ही कर लो लोकसभा में, देख लो हिसाब किताब, हमारी तरफ से ओके, बना लो अलग राज्य, है ना। तो जैसा तुम पूछ रहे थे ना क्यों नहीं राज्य बना, तो अब बन गया। अब वो सरकार थी जो एक अलग राज्य बनाना चाहती थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारी तरफ से ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप राज्य बनाओ। तो अब इस बिल को कहां लेकर जाएंगे? लोकसभा। नए राज्यों के गठन संबंधी बिलों को लोकसभा में पेश करने का अधिकार होम मिनिस्टर का होता है ना। जब भी आप एक नया स्टेट बनाते हैं तो नए स्टेट को बनाने का जो बिल है वो कौन पेश करता है लोकसभा में? होम मिनिस्टर। जब आपने जम्मू कश्मीर का विघटन किया, राज्य से उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो कौन पढ़ रहा था वहां बड़े बड़े भाषण? अमित शाह पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्रालय का मामला है। तो 29 मार्च 2000 को राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले इस बिल को 27 जुलाई 2000 ईस्वी को, 27 जुलाई 2000 को, तब होम मिनिस्टर कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। तो लिखना 27 जुलाई 2000 को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 27 जुलाई 2000 ईस्वी को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बिल को लोकसभा में पेश किया।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी को लोकसभा में पेश कब किया गया, तो आप कहेंगे 27 जुलाई 2000 ईस्वी को लोकसभा में बिल पेश हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय पर 2000 में? अटल बिहारी, भारतीय जनता पार्टी, समय ठीक ठाक बहुमत था उनके पास, तो दिक्कत नहीं है ना। स्टेट में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी, स्टेट और हमें 87 में कहा किसने था नया राज्य बनाने को, बीजेपी ने, तो स्टेट से पारित हो गया। अब सेंटर गवर्नमेंट के पास है, वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, बिल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर पेश कर दिया था 27 जुलाई 2000 को, फिर लोकसभा में इस पर वोटिंग होगी, तो लिख लो, कुछ स्थितियां याद रहती है सबको ना। 1 अगस्त 2000 को ये बिल लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा वालों ने कह दिया ओके ठीक। 1 अगस्त 2000 ईस्वी को बिल जो है वो लोकसभा से पारित हो गया। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से ये बिल पारित हो गया, राज्यसभा से ये बिल पारित हो गया। इधर एक दल ऐसा था इमोशनल वाला, जो इमोशंस में बह के बैठे हुए थे, यहां से देखो तो 12 अगस्त को राज्य बनाएंगे, बोल कितनी तारीख को, 12 अगस्त को, इसी बात पड़े हुए थे, हमारा राज्य 12 अगस्त को बनना चाहिए क्योंकि इस दिन पहली बार बिल पेश हुआ ना। और 10 तारीख को हल्ला करने लगे, 12 को बनाओ। अरे भाई कैसे बनाओ, भी राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर विधानमंडल आएगा, फिर उसके पास 3 महीने का टाइम है, तो कैसे बनाए ना। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा ना हो कि इतिहास में 12 अगस्त का दिन भूल दे, लोग 12 अगस्त को भूल जाए, इसलिए 12 अगस्त को 2000 ईस्वी में पहली बार एक दिवस मना दिया, नाम रखा विजय दिवस। 12 अगस्त 2000 ईस्वी को संपूर्ण उत्तरांचल राज्य में विजय दिवस मना, विजय मतलब जीत गए हम ना। अब राष्ट्रपति तो नहीं वीटो यूज करेगा ना, लगभग नहीं लगता है कि राज्यों के मामले में वीटो यूज कर ले। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिल पारित किया, 12 अगस्त 2000 ईस्वी को संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में विजय दिवस मनाया गया। 12 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्य भर में विजय दिवस मनाया गया। अब कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, अब बस ये था कि राष्ट्रपति जल्दी से साइन कर दे ना, तो राष्ट्रपति ने भी इसी महीने की 28 तारीख को साइन कर दिया। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति अभी KR नारायण, ठीक है, आसान सी बातें, तो KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का एक्ट बन गया नया राज्य बोला है ना, राष्ट्रपति ने 28 अगस्त 2000 ईस्वी को साइन कर दिया। और राष्ट्रपति जब साइन कर देगा 28 अगस्त 2000 को, तो राष्ट्रपति ने साइन करने के बाद ये बिल किसको भेज देना है, राज्य विधानमंडल को। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, और राष्ट्रपति साइन करने के बाद बिल कहां भेज देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। लो भैया सेंटर वालों ने भी कह दिया ठीक है अपन तरफ से ओके है, बना लेना, अब बात कर लेना यहां वालों से कैसा कैसा बनाना है। ये लो 13 जिलों के साथ इस राज्य का गठन होगा, सब कुछ पता था उसमें ना, बाउंड्री सब राज्य कौन डिसाइड करता है, संसद, कितना कितना टुकड़ा, कौन सा क्षेत्र कहां रहेगा, वो सब नक्शा बना के इनको दे दिया, और बस राज्य विधानमंडल को कह दिया राजधानी का तुम ही देख लेना, हमें नहीं पता राजधानी का, देख लो अपने हिसाब से, जहां बनाना है उधर बना देना है ना। तो फिर उनका यार ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि अब उत्तराखंड दो दलों में बंट गया था, ईरान था, यूकेडी खो ही गया कहीं ना, उसकी बात ही नहीं सुन रहा था कोई, यूकेडी कहां गया पता ही नहीं चल रहा यूकेडी का, क्योंकि यूकेडी इतने, ये जो बिल जब जब पारित हो रहे थे तो यूकेडी कहीं गायब सा हो गया, अब सारे डिसीजन बीजेपी ले रहा है, तो राजधानी कहां होगी। अब इस बात पर बड़े दिक्कतें होने लग गई, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग का मतलब यूकेडी, जो कह रहा था राजधानी कहां होनी चाहिए, गैरसैंण होनी चाहिए, और अब भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग ये कहने लगे कि राजधानी में विकल्प होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे कि गैरसैंण नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे कि विकल्प होना चाहिए, किसी और स्थान पर देख लो, तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ होगी, यही सब कुछ चल रहा था। सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार ने एक बैठक बुलाई केंद्रीय कैबिनेट की, उत्तराखंड के वो नेता जो उत्तर प्रदेश में उन दिनों थे उन सबको बुलाया, 5 तारीख अक्टूबर का महीना 2000 था, राज्य अभी बना नहीं है, नवंबर में बनेगा, तो 5 अक्टूबर 2000 को सेंटर गवर्नमेंट ने जो है ना एक बैठक, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक बैठक आयोजित करी, और उस बैठक में केंद्र सरकार ने यह डिसाइड किया कि फिलहाल के लिए जो है इस राज्य की अस्थायी राजधानी हम देहरादून बना देते हैं, फिलहाल जब तक इस राज्य में जो है एक नई सरकार का गठन ना हो जाए तब तक के लिए 5 अक्टूबर 2000 ईस्वी को जो है इस राज्य की अस्थायी राजधानी किसे घोषित कर दिया गया, देहरादून को। लिख लेना 5 अक्टूबर 2000 ईस्वी को, फाइनली 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन हो, भारत का कौन से नंबर का राज्य बन जाता है, 7। हाँ क्या चीज,